बाइक स्कूटी में बैठा हूँ, तो ये हमारे सब्सक्राइबर है। तो मैं एक्चुअली यहाँ से 1-2 किलोमीटर होगा पैदल जा सकता था, बट तो भाई से बोला कि भाई थोड़ा हेल्प कर दोगे यार, पेट्रोल पंप तक छोड़ दोगे, तो भाई अपने सब्सक्राइबर ही निकले। तो गाइस देखो मम्मी अभी क्या निकाली है, फोन का कलाकारी भाई साहब, टी शर्ट पे प्रिंट कर दिया है तो पूरा यार सेम टू सेम। देख रहे हो गाइस, देख रहा हूँ तुम्हारा बेटा का टैलेंट भाई साहब, आर्टिस्ट है लड़का, आर्टिस्ट। ओ भाई इतना डेंजर, देख रहे हो गाइस खुद से पेंट किया है, मानना पड़ेगा भाई, पवन को तो सैल्यूट है मां, क्या औलाद जन्म दी, वाह गजब, सैल्यूट है पवन को, सैल्यूट है गाइस। चेक दी शर्ट पे, हां दोनों को ऐसे ही जन्म दिए। ना मां हां मुझसे कम टैलेंट है, पवन से ज्यादा मेरा टैलेंट नहीं। सो हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। लाल अभी देखो मेरे मम्मी पीछे एकदम मस्त, अभी देख रहे हो अभी क्या लेके आई है मेरे लिए, पूड़ी लेके आई है अभी मेरे लिए मम्मी जी, पूड़ी लेके आई है, बोल रही है बिना खाए नहीं निकलेगा, एक ठो मेरे लिए खातिर खा लो, आके खा लेंगे माँ, खा लेता तो अच्छा आता, देख रहे हो गाइस, ला लो खा लो, एक तो आधा खाएंगे मैं, सुबह ही सुबह गाइस मैं चावल खाया और टमाटर खाया था, इसीलिए नहीं खाने मन कर रहा, टमाटर का चटनी खाया था। देखो माँ तेरे खातिर खा रहे हैं, देखो माँ हो गया अब खुश, अरे अब थोड़ा सा नहीं खुश है, हमारा पेट भरा है। स्कूटी का चाबी दी तो उसमें आरसी का पेपर वगैरह भींग गया था, बैग में रखे थे बोतल पानी तो भींग गया था, दीजिए तो निकाल के लेके आ रहे। ओ भाई साहब लाइट साहब को देखो गाइस, इधर जिमी मिस्टर है, क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है ब्रो, गाइस बाहर है अपनी स्कूटी ये रही भाई साहब। तो ये रहे गाइस आरसी का पेपर वगैरह, देख रहे हो पूरा सिकुड़ गया। तो गाइस ये देखो भाई साहब अभी ठीक है भाई साहब, सूख गया पूरी तरह से, नीचे आने मना किया है ना, चलो गंदा हो गया पूरा, आओ चलो, जब तक नहीं जाएंगे ना गाइस, देखो मम्मी ऊपर से देखती है गया कि नहीं। आप ये देखो गाइस इसको नहीं निकाले थे, क्या हाल हो गया इसको सुखा दूंगा, जिमी से बचा के रखना, पूरा बर्बाद हो गया, पूरा लग रहा ना मैं कपड़ा सुखा रहा, ओह ओह भाई साहब गिर गया, देख रहे हो मैं उड़ जाएगा, मैं देखना ध्यान से, इसको ऐसे रख दो, इसको खाली साइड से थोड़ा सा टैप कर दो बस, इसको दिया से बस, और उछल के यहाँ हाथ डाला तो जिमी देख लेना। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आज क्योंकि मम्मी पापा सब निकले हुए हैं दवाई लेने के लिए, मम्मी के लिए रांची के लिए, तभी हम तैयार हो गए नहा धोवा के, और भैया सोए हुए हैं इसलिए हम ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सूरज निकल रहा है, वो देखो सूरज अभी निकल रहा है, 5 कितना तो हो रहा है, 5:30 हो रहा है, देखो जिमी भी उठ चुका है, और मैं स्कूल के लिए रेडी हो गया हूँ पूरा, चल जाएंगे 6 बजे से पहले, 6:50 में चल जाएंगे, क्या बोलते हैं 6:05 पहले निकल जाएंगे जल्दी। अभी कितना टाइम होता देख लेते हैं, 5:48 हो रहा है, 5:48 देखते हैं, थोड़ी देर में निकल जाएंगे फिर स्कूल के लिए, निकलते हैं तब थोड़ा। हाँ खुश है, खुश है, ठीक है, और बताओ। हाँ गुड मॉर्निंग, पहुंच गए ना सही सलामत। अरे बेटा नहीं खुला है। ओ अभी तक नहीं खुला है, हाँ तो जब डॉक्टर दिखा ले दवाई ले ले फिर कॉल करना। हाँ प्रार्थना करो कि जल्दी आ जाए, क्या हाँ माँ इतना डेंजर हो गया, बाप रे बाप, पूरा फेस तो पूरा पसीना पसीना हो गया। तो गाइस फाइनली पापा आ चुके हैं मम्मी का मेडिसिन लेके, क्या बोला डॉक्टर, दवाई दिया तुम जहाँ लिया था वहाँ से। फिलहाल अभी निकलेंगे कॉलेज, और अभी एक दोस्त का कॉल आया था तो अभी वो जा रहा है फॉर्म फिलअप करने, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है हम लोग का,
तो और 10 दिन है हम लोग को फॉर्म फिलअप करने के लिए। मेरे को तो कुछ अपडेट था नहीं क्योंकि कॉलेज वगैरह तो जाते हैं नहीं, आप लोगों को पता है। बस हाँ, खाली एग्ज़ाम से मतलब रखना है, तो इसीलिए अभी फटाफट से जाएंगे कॉलेज। तो दोस्त को भी लेते हुए जाना है, तो एक हेलमेट ले लेते हैं और वो एक हेलमेट लेके आ रहा है। उसके बाद उसके पास आज गाड़ी नहीं है, तो वो बोला कि चल रहे हो तो चलो। तो फिलहाल वही फॉर्म भरेगा, बस खाली मेरे को पता लग जाएगा कि क्या क्या का ज़रूरत है क्या क्या। तो बस सो गाइस, अभी मम्मी दवाई खा के एकदम रेस्ट ले रही है क्योंकि अभी मम्मी को मेडिसिन मिला है, तो थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है इनको। तो फिलहाल अभी मम्मी रेस्ट लेगी, तो फिलहाल चलते हैं गाइस, चलो फटाफट से निकलते हैं। दोस्त पहुंच चुका है चौक में, फिर ना गाइस बाहर में लू मार जाएगा यार। चौक पहुंच चुके हैं और ये रहा मेरा दोस्त जोसेफ जो कि मेरे साथ जा रहा है। तो फिलहाल अभी हम हेलमेट वगैरह पहन लेते हैं, आगे ही चेकिंग है, बस 2 मिनट का रास्ता है, वो आगे चेकिंग है तो पहन लेना चाहिए। अभी फिलहाल मास्क उतार लेते हैं, थोड़ा सा आगे तुम चेक करना। है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। और जो दोस्त को काम था फॉर्म का वो कर लिया भाई। सब दोपहर के 2 बज चुके और अभी हेलमेट उतार रहा हूँ। और ये जो ऑटो देख रहे हो ये मेरे दोस्त का है, उनके पापा चलाते हैं। ऐसा अब थोड़ा छाया में बैठने अच्छा लग रहा है। तो अभी दोस्त गया हुआ है पानी लाने, उसके बाद पानी वानी पियेंगे फिर निकलेंगे। कैंपस में ब्लॉग बना ही नहीं पाए, सर लोग घूम रहे थे इधर उधर, इसीलिए फ़ोन निकाल ही नहीं पाए। वैसे भी अलाव नहीं है, हाँ ब्रेक टाइम में चला सकते हो बट क्लासेस वगैरह में नहीं चला सकते हो। गाइस पानी लेके आ चुका है ये रसो। चलो गाइस देखो, गाइस दोस्त लेके आ रहा है एकदम दोपहर का लंच। फिलहाल गाइस अभी हम लोग बागान में, और ये चेक करो गाइस दोपहर का जोसेफ ले आया है, देख रहे हो गाइस एकदम आदिवासियों का कल्चरल जो होता है माड़ भात दिन में, और साग है मूली का साग जो अधिकतर दोपहर के टाइम में लोग खाते हैं आदिवासी लोग, क्योंकि गर्मी के टाइम में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है और बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। टमाटर के चोखा के साथ खाओ, आलू के साथ खाओ। सो फिलहाल गाइस घर के नीचे गाड़ी खड़ा कर दिए, इधर तो मकान मालिक सब गिट्टी हो गया गिरा है ना, तो कभी भी गाड़ी आ जाता है बालू गिट्टी का, तो पीछे खड़ा कर दिए। फिलहाल चलो अभी चलते फटाफट से। बाबा मोड़ डुकड़ू ने कुतरिया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, काटने के लिए तुम उड़े कर इधर इधर, हाँ इधर गियर मोड़ो, चलो फिर मारेंगे इसे से, चलो चलो धूप है ना, चलो घर चलो चलो। कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएंगे, मंजिल की ओर। मंजिल की ओर, कौन सा मंजिल भाई, जा रहे खेलने। खेलने कब आएगा, 7 बजे खेल के, तो ट्यूशन भी जाएंगे। ए मैं डुकड़ू एक्टिंग पे अप्रे पे एक्टिंग। अरे मोजा पहनाओ तो इसको कुतरिया को, फुटबॉल खेलेगी ये भी जाएगी फुटबॉल खेलने। हाँ उस पे भी अप्रे पैप लेग गार्ड। फिलहाल गाइस अभी शाम का वक्त है और अभी मैं निकला था अपना आरसी लेके, तो आप लोगों को पता है गाइस जा रहे थे रास्ते में कुछ काम से बट फ्यूल ख़त्म हो गया। एंड देखो अभी भाई के स्कूटी में बैठा हूँ, तो ये हमारे सब्सक्राइबर है, तो मैं एक्चुअली यहाँ से 1-2 किलोमीटर होगा पैदल जा सकता था बट, तो भाई से बोला कि भाई थोड़ा हेल्प कर दोगे यार पेट्रोल पंप तक छोड़ दोगे, तो भाई अपने सब्सक्राइबर ही निकले। मेरे को बिलीव था कि आप लोग सब्सक्राइबर हो गए, तो ऐसे मुलाकात होगा मालूम भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड मुलाकात यार, अनएक्सपेक्टेड। चलो बढ़िया है यार, बस ऐसे ही लोगों का हेल्प करते रहो और क्या, तो बस मेरे तरफ से ब्लेसिंग है। तो चलो गाइस फटाफट से ले लेते हैं फ्यूल, देन उसके बाद भरेंगे। पहले तो 100 का भरना होगा क्योंकि